Hello, my dear students. Welcome in my YouTube channel. So today we are going to discuss about hypothyroidism. So what actually is hypothyroidism? I am going to tell you. This is the under secretion of hormones like thyroxine. So this is hypo condition, which is related to thyroid gland. And I told you, thyroid gland produces three types of hormones. That is thyroxine, triiodothyronine, and calcitonin. So we are going to discuss about first simple goiter. So what actually happens in simple goiter, students? It is due to the deficiency of iodine. Here there will be deficiency of iodine, and in the diet causing this leads to. इसकी वजह से क्या हो जा रहा है? एनलार्जमेंट हो जा रहा है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको मैं बता दूँ. गोइटर में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्ज हो जा रहा है, और वहां पे नेक रीजन में स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग इन नेक रीजन. सिंस आयोडीन इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ थायरोक्सिन, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, लेस थायरोक्सिन प्रोड्यूस होगा, एंड पिट्यूटरी सिक्रेट्स इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ टीएसएच. आई टोल्ड यू, पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड इट विल इंड्यूस मोर एंड लार्जर सेल्स टू ग्रो इन द थायराइड, एंड इन दिस वे दिस थायराइड ग्लैंड कीप्स इनलार्जिंग एंड गोइटर इज फॉर्म. तो गोइटर जो है वो प्रेवलेंट होगा आयोडीन पुअर रीजन जो भी वर्ल्ड के हैं, जैसे कि हिमालयन बेल्ट में ज्यादा देखा जाता है. इन विच वेजिटेबल्स आर ग्रोन हैज बिकम आयोडीन डेफिशियंट हो जाती है, और यहाँ का जो फूड ग्रोन होगा वो भी आयोडीन डेफिशियंट होगा, और डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन को हम लोग कंपनसेट कर सकते हैं आयोडाइज साल्ट अपनी डाइट में लेकर फूड में. एंड गोइटर इज अ वेरी रेयर डिजीज, इट इज अ रेयर डिजीज along sea coast because sea food contains large amount of iodine. आप देख सकते हैं जो गोइटर डिजीज है वो सी कोस्ट वाले एरिया में बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ आयोडीन मिलता है यहाँ के फूड्स में. तो कुछ हम लोग गोइटर के सिंपल सिम्टम्स देखते हैं स्टूडेंट. यहाँ पे जो हमारा रेस्पायरेशन का रेट होता है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है. सिम्टम्स ऑफ गोइटर, जो हमारा रेस्पायरेशन रेट ये स्लो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हार्ट बीट का जो रेट है वो भी कम हो जाएगा. एंड इंडिविजुअल फील्स कोल्ड, टायर्ड एंड स्लगिश. ब्लड प्रेशर काफी लोअर हो जाएगा नॉर्मल से, और बीपी भी लो हो जाएगा ब्लड प्रेशर, और जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी बॉडी का डिक्रीज हो जाएगा 20 से 30%, एंड इट अरेस्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. और गोइटर की अगर बात करें तो जनरली हम लोग इसको स्टूडेंट्स कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोल डोज ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन, एंड दिस इज टेकन अप बाय थायराइड सेल्स किलिंग डोज वेयर इट अकुमुलेट्स अबव अ सर्टेन लेवल. सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म. एंड टू मोर डिजीजेस आर देयर लाइक क्रेटिनिज्म and myxoedema. इनका मैं सेपरेट वीडियो स्टूडेंट्स डालूंगी क्रेटिनिज्म और myxoedema पे. ये भी जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन से ही होंगे. आई होप वी विल मीट सून. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप वी विल मीट सून विद अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड क्रेटिनिज्म. Thank you, bye bye, take care all of you.